हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं मणिपाल के सारे कैंपस के कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करूंगा। MIT मेन कैंपस, MIT बेंगलुरु, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और मणिपाल सिक्किम के ऊपर। मेरी को नहीं लगता इस वीडियो के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। मैं इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा किस तरह का वेरिएशन लास्ट राउंड में होगा और आगे क्या करना है, कितने कितने रैंक तक आपको कौन कौन से ब्रांच लास्ट राउंड तक अलॉट हो सकता है, और न्यू कैंपस खुलने के कारण से मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, और मैं सारा चीज को इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बस मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। वीडियो के एंड होते होते सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या कट ऑफ का वेरिएशन हो सकता है लास्ट राउंड में, बस। और किसी तरह का कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछो, ठीक है। अगर और भी कोई डाउट है, भैया मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का क्या प्लेसमेंट है, मणिपाल मेन कैंपस में लोअर ब्रांच लूँ या यहाँ पे CSE लूँ या फिर बैंगलोर को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूँ, इस तरह का कोई भी डाउट आता है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछो। और कमेंट सेक्शन में ये बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मैं जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा कमेंट देखूंगा उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट इन तक देखना, क्योंकि अगर तुम बीच में ही चले जाओगे तो मैं तेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बस मैं चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, और मैं शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि इसी तरह का आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं एक पेपर में आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा किस किस तरह का वेरिएशन हुआ है और आगे किस तरह का वेरिएशन होगा। ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियो बना रखा है, उसे भी एक बार आप देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में उसे भी कवर कर दूंगा जो मैंने लास्ट 3-4 वीडियो बनाया, उसे भी लगभग मैं नॉर्मलाइज करके बता दूंगा क्या क्या वेरिएशन हुआ है। चलिए वीडियो को देखिए आप। चलिए मैं सबसे पहले मणिपाल के मेन कैंपस के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, 597, और मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज उस वीडियो को आप देख ले। क्योंकि देखिए CS रिलेटेड जितना ब्रांच है ना, इसमें कोई भी आपका रैंक का वेरिएशन नहीं होगा, जिस तरह का मैंने बताया है उसी तरह का जाएगा। बाकी लोअर ब्रांच है, इसमें लोअर रैंक आपका जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ जिसके मानी 11 है इसका, तो इसका 12 के इस सब का जा सकता है, पर इसमें आपका कोई ज़्यादा वेरिएशन होने का चांस नहीं है। ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। आप देखो जैसे क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में गया था 597, सेकेंड राउंड में गया 678, 692। मेरे को बहुत सारा मैसेज ये आ रहा है, भैया मेरे को अभी तक कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम जी मेंस का काउंसलिंग तक का वेट करो। मेरे को ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे का ये मैसेज आता है, भैया मेरा जेई मेंस में 98 है, 99 परसेंटाइल है, इस तरह के बच्चे हैं, जिससे कि जो भी और भी अच्छा करना चाहते हैं, होगा क्या वो सब क्या करेंगे, मणिपाल को छोड़ देंगे, वो कोई IIT NIT में चले जाएंगे। वो सब क्या किए, एक सिक्योरिटी के लिए आप मणिपाल काउंसलिंग करके रखा है जिससे कि आगे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप वेट करें लास्ट राउंड तक। मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो कंप्लीट एक बार देख लो। इसका मैं बता देता हूँ, अगर आपका रैंक 1100 अगर है तो आपको CSE मिल जाएगा, पर आप वेट करें, अभी अपना पेशेंस ना खोएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैंने 1400 बताया है। देखो थर्ड राउंड में कितना चला गया, 887 तक चला गया है। सेकेंड राउंड में कितना गया था, 871। तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, पर तुम इन राउंड तक वेट करोगे तो आपका यहाँ तक में तुमको मिल जाएगा। तुम मान के चल सकते हो अगर तुम्हारा रैंक यहाँ तक है तेरे को मिल जाएगा, खाली अलका पेशेंस बनाए रखो इन तक। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर बात करते हैं, 2470 मेरे द्वारा दिया गया है, इतने रैंक तक तुमको मिल सकता है इन राउंड तक। देखो ज़्यादा अभी वेरिएशन नहीं हुआ है, 1764 है, यहाँ भी क्या था 1764 है, पर ये वेरिएशन होगा। देखो जब लास्ट टाइम जब मैं काउंसलिंग कर रहा था उस वक्त फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में बेसिक का वेरिएशन नहीं हुआ था, फोर्थ फिफ्थ राउंड के बाद से मेरे को था काउंसलिंग आगे भी बढ़ सकता है मणिपाल का। फोर्थ फिफ्थ राउंड के बाद से ज़्यादा इसका वेरिएशन होने का चांस है। तो डेटा साइंस के ऊपर बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया 3500, ठीक है, अभी देखो कहाँ तक चला गया, 2558 तक गया। देखो वेरिएशन बहुत कम का है, ये हो गया सेकेंड वाला सेकेंड राउंड, ये हो गया आपका थर्ड राउंड। देखो वेरिएशन बहुत कम का हुआ, पर होगा आगे का राउंड जो होगा फोर्थ फिफ्थ, ये समय वेरिएशन होने का ज़्यादा चांस है। फिर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बात करूँ, 2570 मैंने क्या बताया, अगर आपका 8K रैंक है फिर भी आपको ये कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। पर देखो अभी 3000 ही, लगभग 3000 से भी कम गया आपका कटअप। क्या आप बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे, भैया मेरे को डर लग रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, देख ले। मैं तेरे को बताया हूँ ना 8K तक है, तो इंट तक वेट कर, इंट्रा राउंड भी होता है मणिपाल में, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले करके भी छोड़ देते हैं, तुझे मिल जाएगा, बस इतना रख, इसको याद रख, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी किया, मेरे को आइडिया है इसके रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के वोकेशन के ऊपर, मैंने बताया है
9 के तक रैंक है फिर भी आपको मिल जाएगा। अभी देखिए 4369 तक आपका गया है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का तो 11 के तक गया है। अगर मैकेनिकल के ऊपर देखो ये सब में आपका वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है मोस्ट ऑफ द बच्चा आजकल क्या कर रहे हैं CSIT के पीछे भाग रहे हैं। तो होगा क्या नया कैंपस खुला है उसमें भी सारा लगभग मानो 6 से 8 हज़ार बच्चा उधर भी आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब ब्रांच क्या हो जाएगा ये सब बहुत सारा सीट वैकेंट रह जाएगा। जैसे 9 के है तो आपको 10 के तक भी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जैसे इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है 11 के है तो आपको 14 के तक भी मिल सकता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चा CS तब शिफ्ट हो गया है मणिपाल का जो नया कैंपस खुला बेंगलुरु कैंपस वहाँ पे। मैकेनिकल के ऊपर बात करें 20 है 22, 23, 24 के तक भी आपको मिल जाएगा। ये समय वेरिएशन होगा पर ऊपर वाले में वेरिएशन नहीं होगा। चलिए मैं आपको कंप्लीट इसका आइडिया दे दिया हूँ और बाकी सब ब्रांच का कटअप मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किए हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पे जाकर सारा चीज़ देखें, क्योंकि मैं सारा कॉलेज जो नया नया कॉलेज किसी भी तरह कोई नया प्लेसमेंट या मणिपाल के रिगार्डिंग BIT किसी के रिगार्डिंग कोई नया इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आप वहाँ पे मेरे को अगर फॉलो करते हो तो जाके वहाँ पे देख लेना, मैं सबका अपलोड कर दूंगा। चलिए मैं अब मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के ऊपर बात करता हूँ। जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड कटअप बताया था, अगर आपका 10 के तक है तो आपको CSE मिल जाता, पर देखो यहाँ पे MIT न्यू कैंपस जुड़ने के कारण आपका रैंक अगर यहाँ पे 13 के तक भी है 12 के 13 के तक भी है तो आपको ये मिल सकता है, पर आप इंड तक वेट करें। जैसे देख ले यहाँ पे क्या गया था 8855 गया था, उसके बाद 900 तक अप्रॉक्स गया है, पर फिफ्थ राउंड के बाद या इंटर राउंड के बाद आपको रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि 10 के तक आपका रैंक है तो CSE मिलेगा, पर यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। मेन कैंपस में कोई वेरिएशन नहीं होगा, पर यहाँ पे आपका 12 के तक अप्रॉक्स रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूँ 26 के तक है आपका तो आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू माई लास्ट वीडियो, पर इस वीडियो में मैं बताता हूँ 28 के तक भी है आपका तो भी आपको ये मिल जाएगा। अभी देखिए 2751 गया है कट ऑफ, ठीक है। ऑलरेडी जैसे कि मैं आपको बताया था अप्रॉक्स आप मान लो 30 के तक भी है आपका तो मिलने का चांस बनता है, क्यों? क्योंकि न्यू कैंपस बेंगलुरु में खुला। अच्छा जो साउथ का होगा वो MIT बेंगलुरु को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देगा, इसी कारण से यहाँ पे इसका कट ऑफ हाई जाने का चांस हो जाता है। अगर मैं डेटा साइंस के ऊपर बात करूं, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया 37 के तक, ठीक है, तो इसका मान लो आप 38 के तक भी आपका रैंक है तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे अभी देखो 34 के तक ऑलरेडी चला गया है आपका, ठीक। अगर मैं उसके बाद BTech ऑनर्स के ऊपर बात करूं तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है, पर आप इसका मान सकते हो 37 to 38 के तक आपका रैंक है तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक। जैसे अभी देखो 34 तक चला गया है तो मतलब इंड तक तो आपको ये 37, 38, 39 तक आपको मिल जाएगा। अगर मैं कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बात करूं, इसका मैंने 38 बताया था तो आप इसे 39 तक मान सकते हो। देखो ये CS रिलेटेड ब्रांच है, ये सब में वेरिएशन कम देखने को मिलेगा, आपको इसके नीचे वाला ब्रांच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर इस यहाँ पे कम्युनिकेशन मैकेनिकल्स मैकेट्रॉनिक्स इस तरह का ब्रांच आपको MUJ में 100% मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 40, 42, 43, 44 कोई भी लोअर ब्रांच आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइट होता है आपका सिर्फ CS रिलेटेड ब्रांच के लिए, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर का, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा साइंस हो गया, BTech ऑनर्स ये हो गया आपका, फिर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन हो गया, ये सब में फाइट है। थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फाइट है, ठीक है, पर ये भी आपका 41, 42, 43 के है इन राउंड तक आपको मिल जाएगा। चलिए मैं मणिपाल सिक्किम के ऊपर बात करता हूँ। जैसा कि मैंने सिक्किम मणिपाल के ऊपर बताया था, अगर 35 के तक आपका रैंक है तो ये आपको मिल जाएगा, और अब तो सियोरिटी भी होता है कि 35 के तक आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें लास्ट 3 ईयर को पूरा कंप्लीट कंपेरिजन करके बनाया था और मैंने अपने टाइम से तो पूरा किया ही था। और बता दूँ 35 के तक आपका रैंक है तो आप सियोरिटी के साथ सोच सकते हो आपको मणिपाल सिक्किम में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, क्योंकि देखिए MIT बेंगलोर एक ब्रांच ऐड हुआ है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इसका 40 के तक आपका रैंक है फिर भी आपको मिल जाएगा, और बाकी सब तो ब्रांच अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो 42 के 43 के इसी तरह कोई ब्रांच है तो आपको मतलब अगर मानिए 50 के तक भी आपका रैंक है फिर भी आपको नीचे का लोअर ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो न्यू कैंपस खुला है MIT बेंगलोर उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। वहाँ पे मैं कंप्लीट बताऊँगा हाँ कौन सा MUJ लेना वर्थ इट है या फिर मणिपाल न्यू कैंपस बेंगलुरु जो खुला है उसको लेना वर्थ इट है। चलिए डिस्कशन करता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ कंप्यूटर साइंस का अगर आपका 8K तक है ना, मेरे को तो नहीं लगता 8K, या 6K टू अगर 8K तक है आपका, तो आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चा जो मेन कैंपस में लिए हैं उसका जेई मेन्स में भी अच्छा स्कोर है, ठीक है, वो IIT NIT को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देगा, ठीक है, इसी कारण से ये आपको मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है। पर अभी देखिए 4K लगभग 5K अप्रॉक्स गया है आपका, लेकिन 6 to 8K तक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करूँ 9K तक है आपका, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको बता दूँ बहुत सारे बच्चा क्या होता है, जो साउथ तरफ के बच्चा है वो उसे ज़्यादा प्रीफ्रेंस देंगे। और मेरे को ना सबसे बेंगलुरु कैंपस सबसे अच्छा बात क्या लगा, इसमें सीट मैट्रिक्स बहुत कम है, 60-60 बच्चे का सीट मैट्रिक्स है, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर देखोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। और इससे होगा क्या, MIT बेंगलोर में तुम्हारा सीट मैट्रिक्स कम होने के कारण कंपटीशन कॉलेज के अंदर कम होगा, ठीक है, और कंपनी तो कॉलेज को विजिट करेगी क्योंकि मणिपाल का इसके ऊपर हाथ है, ठीक है। इसी कारण से मैं बता दूं, अगर मेरे को अगर पूछा जाएगा कि आप MIT बेंगलोर लोगे या MIT जयपुर लोगे, तो मैं तो फर्स्ट प्रीफ्रेंस में दूंगा MUJ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, क्योंकि वहाँ देखो एक्सपोजर का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि वहाँ वो ओल्डेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और बाकी अगर प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो मेरे को लगता है कि MIT बेंगलोर का अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि देखो ये क्या है, न्यू कॉलेज है और ये चाहेगा हमेशा ग्रो करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पे अच्छा हो, अच्छा कुछ शो अप कर सके, हाँ मेरे कॉलेज से ये पास आउट है, ठीक है। और इसी कारण से प्लेसमेंट के वाइज देखोगे तो MIT बेंगलोर को दूंगा, एक्सपोजर के हिसाब से दोगे तो MUJ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं, इसमें ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, साउथ तरफ का जितने बच्चे होंगे सारा को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, 11K तक गया है पर 13K तक आपको मिल जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूं 15 to 16K तक आपको मिल जाएगा, जो कि 12K तक आपका गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बात करूं तो 19K तक आपका भी लगभग माने 20K तक गया है और 25K तक जाएगा। मेरे को लगता है सारा कैंपस के ऊपर देखिए, मेन कैंपस MIT बेंगलुरु, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और मणिपाल सिक्किम, सारे के ऊपर मैंने कंप्लीट डिस्कशन करके बता दिया है। मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट होगा, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर, या फिर जस्ट ऐसा जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा मैं कमेंट देखूंगा उसके रिगार्डिंग मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के डाल दूंगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि इस तरह का वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए, और एक लाइक कर दो जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।